बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखिए, ये मैं आज है ना आपको खुबानी का मीठा बनाने का बताऊंगी। ये हैदराबाद का फेमस मीठा है और ये शादियों में अक्सर बना करता है वहाँ पे, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करती हूँ कि मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ इसको। तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए, इसमें सीड रहते हैं तो इसे सीड को निकाल लीजिएगा। मैंने ना 3-4 घंटे पहले इसको भिगो दिया था। आप चाहे तो रात को भी भिगो सकते हैं। रात को भिगोएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो मुझे इतना ही चाहिए था। ये देखिए, ये सब मैं इसकी सीड निकाल लूँगी। अगर आपको सीडलेस मिलती है ये खुबानी तो आप ऐसे ही भिगो लीजिएगा। ये देखिए, मैंने फुल फ्लेम पर इसको चढ़ा दिया है। अभी जो इसमें पानी में मैंने भिगोया था ना इसको, वही पानी में वेस्ट नहीं करना है। ये इसी में ही रात को पकाना है इसको, क्योंकि इसका जितना भी वो है, इसका अर्क है, वो सब इसमें पानी में आ गया। तो हमें फेंकना नहीं है ये पानी, तो इसी पानी में हमें पकाना है। और इसमें ये खुबानी थोड़ी खट्टी मीठी रहती है, तो आप इसमें, और हमें कस्टर्ड भी बनाना है इसके साथ, तो आप अपने अंदाजे से मीठे का बैलेंस कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ 1.5 चम्मच चीनी का डालूँगी, बाकी मैं कस्टर्ड में डालूँगी। इसको मैं पकने देती हूँ और इसकी लिड लगा देती हूँ। तो ये हमारी पकती है। इतने हम दूसरी साइड पे अपना दूध चढ़ा देते हैं कस्टर्ड के लिए। ये देखिए, मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है, फुल फैट वाला है ये। और इसी आधे लीटर के दूध में मैंने थोड़ा इसमें कस्टर्ड, मैंने 5 चम्मच लिए हैं इसके अंदर, और थोड़ा दूध इसमें ठंडा मुझे मिलाना है। देखिए दोस्तों, ये वाला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है मैंने, ये वेनीला वाला है। और वेनीला वाला मैं इसलिए डाल रही हूँ कि खुबानी का टेस्ट आएगा। ये कोई और डालूँगी ना तो उतना फ्लेवर उसका आएगा नहीं, तो वेनीला का थोड़ा कम आएगा, उसका ज़्यादा आना चाहिए। कि हमें क्या चीज़ बना रहे हैं तो उसका टेस्ट भी तो आना चाहिए ना, तो मैंने ये वाला लिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं उसमें मैंने खुबानी में 1.5 चम्मच डाला था, इसके अंदर में 3 चम्मच डाल लेंगे चीनी के। अगर हमें कुछ कम लगेगा ना तो बाद में हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। और अभी हमें क्रीम में भी चीनी इस्तेमाल करनी है, तो आप अपना अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। मैं अपने बता रही हूँ आपको कि मैं कितना डाल लूँगा। दूध हो रहा है, तब तक के हम ज़रा खुबानी देख लेते, इसकी लीड हटा के देखते हैं कितना हुआ हमारा। दोस्तों ये हमारी है ना अभी पकेगी, और क्योंकि हमें इसको ना ऐसे मैश करना है, इसको ये ऐसे करके मैश करना है इसको, तो थोड़ा और पकाते हैं इसको। हम इसकी लिड लगा देते हैं और थोड़ा स्लो आंच पे पकाना है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ, सारा डाल देंगे हम और इसको मिक्स कर लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी डिश है। ये देखिए हमारा ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलाना पड़ेगा इसको भी, थोड़ा हमें पकाना है। इसको स्लो आंच कर देते हैं इसके हम, और थोड़ा इसके अंदर हम लोग इसके अंदर थोड़ा काजू डाल देते हैं, और थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं, और थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं, और इसको ऐसे जल्दी से पका लेते हैं क्योंकि हमें इसको ठंडा करना है। ये बस हम अभी ऐसे ही बनाना है हमें बस। ये देखिए, ये इतना गाढ़ा बनाना है क्योंकि हमें उसके ऊपर उसकी परत लगानी है ना, तह लगाएंगे ना उसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा अगर और हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है ये। ये देखिए, इतना इतना बस, इतना काफ़ी, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो ये और टाइट होगा, तो बस हमें इतना ही चाहिए। होने के लिए रख देते हैं। अभी मैंने इसको गैस पर से उतार लिया है और अभी हम देखते हैं। ये देखिए हमारी गल गई है खुबानी, तो आप है ना इसे चम्मच से ऐसे करके मैश कर लीजिएगा। मिक्सी में कर सकते हैं इसको मैश, मगर ना उसके ना जो छोटे छोटे चंक्स है ना मुंह में आने चाहिए ना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप है ना चम्मच से, या फिर वो जो रहता है ना आलू मैश करने वाला, उससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं। ये हमें ऐसे बनाना है।
मैश हो गया ये, ऐसे ही रखना है। और अभी मैं कस्टर्ड को ना ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखिए अभी हमारा ऐसा हो गया है। ये देखिए मैंने ना इसके अंदर ये बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा मैंने नमक भी डाल दिया कि ज़्यादा जल्दी मेल्ट ना हुई। तो अब हम इसको, ये देखिए ये क्रीम है अमूल क्रीम, तो मैं अब इससे ना इसको व्हिप्ड क्रीम बनाऊँगी। और ये है मेरी पाउडर शुगर, तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा मैंने उसमें डाला था खुबानी में चीनी, थोड़ा मैंने कस्टर्ड में डाली थी, और अब इसमें मैं अपने अंदाज़ से डालूँगी। जो मुझे कमी डालना है क्योंकि मुझे खुबानी का टेस्ट, जो नेचुरल टेस्ट है उसका, उसका भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल लेंगी। हमारा ये सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर हम लोग ये व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख के सेट करेंगे। ये ऐसे लगाना है इसके ऊपर। इसकी तीन लेयर बन गई है, नीचे सबसे नीचे है खुबानी, ऊपर है कस्टर्ड, उसके ऊपर है ये व्हिप्ड क्रीम। तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो है ही लाजवाब। चलिए अब हम इसके ऊपर इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। ये इस पर मैंने काजू डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये थोड़े से हमने बादाम डाले हैं और ये थोड़ा सा हमने ये पिस्ता डाला है इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा हमने खूबसूरत दिखने के लिए ये देखिए टूटी फ्रूटी डाली है इसके ऊपर, थोड़ा इसके देखने में लुक अच्छा लग रहा है। और इसके अच्छे से और डेकोरेशन कर देते हैं, ये चेरी लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग, एक इधर रख देते हैं। अभी रमज़ान आने वाले हैं तो आप ये मीठा बना सकते हैं और अपने घर वालों को बना के खिलाइए। आई एम श्योर उनको, उन लोग को भी बहुत पसंद आएगा। रमज़ान में थोड़ा लगता है ना कि नमकीन भी हो, नमकीन के साथ थोड़ा मीठा भी हो। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, और खाने में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप भी मेरे स्टाइल से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। और मुझे आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, नीचे इसकी खुमानी की है, फिर कस्टर्ड और फिर अपनी व्हिप्ड क्रीम है। तो ये देखने में भी खूबसूरत है, आपके घर में मेहमान आए तो उनको भी बना के खिलाइए, सबको पसंद आएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।